तो अभी हमने क्या सीखा? काबू से बाहर आना। बहुत अच्छे। चिल्लाना और चीखना। हाँ, और सबसे जरूरी है जुनून। बिल्कुल सही। तो अब तुम एक अच्छी चेयर के बारे में सब जान गई हो, चलो करके दिखाओ। ये तुम मेरे लिए इस तरह से चेयर करोगी? जोर से। ये। और जोर से। ये। और जोर से। ये। ज्यादा जोर से हो क्या? My little pony, my little pony. दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी, और मैजिक से ही जिंदगी मेरी टूटेगी, ये दोस्ती है पक्की। ये और आप मेरी रूटीन का फेज वन। फेज टू। वे टू गो। और ये रहा फेज थ्री, द सोनिक रेनबो। इन बुक्स को ठीक से रखने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। लगता है मैंने इस हफ्ते कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर ली है। रेनबो डैश, तुम लाजवाब हो। क्या ये मेरी चेयरिंग की वजह से हुआ? माफ करना लेडीज, ये एक बहुत ही कमजोर परफॉर्मेंस था। दरअसल ये इतना भी बुरा नहीं था, खासकर वो बादलों को घुमाने वाला। मैं अपनी परफॉर्मेंस की नहीं, तुम्हारी परफॉर्मेंस की बात कर रही हूँ, वो कमजोर चेयरिंग। तुम दोनों किस बात पर झगड़ रही हो? क्या हम झगड़ रहे हैं? मुझे माफ करना। काश तुम सब मुझे क्लाउड्सडेल में यंग फ्लायर कंपटीशन में देखने आ सकते। वो क्या है? ये वो मुकाबला है जहाँ सभी पेगासस फ्लायर्स इकट्ठा होकर अपनी फ्लाइंग स्टाइल्स दिखाती है। वाह, मैं जरूर तुम्हें उस कंपटीशन में हिस्सा लेते हुए देखना चाहूंगी। हाँ, काश तुम लोग वहाँ होते। फ्लटरशाय अच्छी दोस्त है, पर उसकी चेयरिंग में कोई दम नहीं है। मैं तुम्हें एक सोनिक रेनबो मनाते हुए जरूर देखना चाहूंगी, अब तक का सबसे कूल स्टंट। हालांकि मैंने आज तक वो कभी नहीं देखा, पर वो एक सोनिक रेनबो है, वो कोई कैसे नहीं हो सकता। ये सोनिक रेनबो क्या है? तुम्हें बाहर निकलना चाहिए, सोनिक रेनबो सबसे लाजवाब है। जब रेनबो डैश जैसी पेगासस बहुत तेज उड़ती है तो वो एक सोनिक रेनबो होता है जिससे एक ही बार में पूरा रेनबो बन जाता है। और रेनबो ऐसी इकलौती पोनी है जिसने ये किया है। ये बहुत पुरानी बात है, उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। हाँ, पर तुम वो फिर से करने वाली हो ना? क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं क्लाउड्सडेल की सबसे अच्छी फ्लायर हूँ। सोनिक रेनबो तो मैं नींद में भी कर सकती हूँ। वाओ, अगर तुमने वो कर दिखाया तो तुम जरूर जीत जाओगी। ग्रैंड प्राइज है वंडरबोर्ड्स के साथ एक पूरा दिन, मेरी जिंदगी की हीरोज के साथ एक पूरा दिन उड़ना, ये तो किसी सपने की तरह है। मैं जाकर आराम करती हूँ, जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। जबकि तुम प्रैक्टिस जारी रखो, समझी? मैं चाहती हूँ मेरा चेयरिंग सेक्शन भी मेरी परफॉर्मेंस की तरह शानदार हो। उसने वो मूव 100 बार प्रैक्टिस किया मगर एक बार भी नहीं कर पाई। पता नहीं मेरा चेयरिंग उसके काम आएगा भी या नहीं। वेल, मेरे ख्याल से हमें जल्दी से सफाई खत्म करनी चाहिए। फिर से चलो चलो चलो। कहाँ? ऐसा कोई झाड़ू ढूंढो जो हम बिना पंखों वाली पोनीज को क्लाउड्सडेल ले जा सके। क्या तुमने देखा वो कितनी नर्वस थी? नर्वस?
तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है, वो अपनी तारीफों की शहनाई किसी मार्चिंग बैंड से भी ऊंची बजा रही थी। प्लीज, मैंने इतने फैशन शोज किए हैं कि मुझे देखते ही समझ आ जाता है जब किसी को स्टेज फियर हो। हमें उसके लिए वहाँ होने का कोई न कोई तरीका ढूंढना ही होगा। अब चलो भी। इस कबाड़ में मैं एक उड़ने वाला जादू कैसे ढूंढ पाऊंगी? एक उड़ने वाला जादू, एक सेकंड। पेज 27। ये तुमने कैसे किया? जब मैं बुक केस से टकराई तो ये मेरे ऊपर आकर गिरी। ये रहा एक जादू जो अर्थ पोनीज को 3 दिन तक उड़ने देगा। ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। तुम्हें कोशिश तो करनी होगी। ओके, पर टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए कौन आएगा? मैं आऊंगी। रेनबो डैश के लिए मैं सबसे आगे हूँ। ठीक है। बोलना सीखना पड़ेगा फ्लटरशाय, अपनी बात कहने से कभी घबराना नहीं चाहिए। वेल वेल वेल, जरा देखो ये कौन है यहाँ। ये तो हमारी पुरानी दोस्त है रेनबो क्रश। इस बार कौन से फ्लाइट स्कूल से निकाली गई? मुझे निकाला नहीं गया। अब मान भी जाओ रेनबो क्रश, फ्लाइट स्कूल में तुम्हारे लिए बहुत सारे रूल्स थे और सोने के लिए बहुत कम टाइम। इसे जरा सोनिक रेनबो के बारे में पूछो। वो बस एक पुरानी कहानी है, तुम्हारे पास ऐसा कुछ ट्राई करने की स्किल्स ही नहीं है। जरा एक मिनट रुको। ओ, माफ करना, मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। खैर, वो सोनिक रेनबो करने वाली है। नहीं, वो नहीं करेगी क्योंकि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। तो फिर क्लाउड से मैदान में आकर अपनी आँखों से देख लेना अगर फ्री हो तो। चिंता मत करो, हम जरूर आएंगे। मैदान में मिलते हैं रेनबो क्रश। तुमने वो देखा? मैंने अपनी बात कहना सीख लिया। वो लोग ठीक कह रहे थे, मैं वो कभी नहीं कर पाऊंगी। पर रेनबो डैश, सिर्फ इसीलिए कि तुम प्रैक्टिस में हजारों बार सोनिक रेनबो नहीं कर पाई, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम स्टेडियम में हजारों बेसब्र आसानी से खुश नहीं होने वाली स्पोर्ट्स फैन पोनीज के सामने भी नहीं कर पाओगी। मैं क्या करूं? सब लोग मुझे हारते हुए देखेंगे। वंडरबोर्ड्स मेरे जैसे लूजर को कभी अपने साथ नहीं रखेंगे। प्रिंसेस सेलेस्टिया शायद मुझे हमेशा के लिए एवरफ्री फॉरेस्ट भेज देंगे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। रेयर सोनिक बूम रेयर से भी ज्यादा मुश्किल है। रैरिटी, रैरिटी, क्या तुम उड़ रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल उड़ रही हूँ। क्या मेरे पंख नहीं हिल रहे? मेरे लिए ट्वाइलाइट ने बनाए है ना, कितनी खूबसूरत। तुम इतनी शॉक्ड क्यों हो? हम अपनी फेवरेट फ्लावर को बिना चेयरिंग सेक्शन के कैसे छोड़ सकते हैं? हम मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये तो लाजवाब है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम सब आ गए। हाँ बिल्कुल। रुको, तुमने ये किया कैसे? सिर्फ पेगासस पोनीज ही बादलों पर चल सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, मुझे एक ऐसा जादू मिला जो हमें कुछ समय के लिए पंख देता है, पर उसे एक बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैंने एक आसान जादू ढूंढा जो हम बाकियों को बादलों पर चलना सिखा और दे। हम तुम्हें चीयर करके जीत दिलाने आ गए। सच बताओ, मैं ना थोड़ी सी नर्वस हो रही थी, पर तुम लोगों के यहाँ आने से बहुत अच्छा लगा। हे, कंपटीशन अभी शुरू नहीं हुई, क्यों ना मैं और फ्लटरशाय तुम्हें क्लाउड स्टेट घुमा दे? हाँ, चलो चलते हैं। चलो, बहुत मजा आएगा। पेश है आसमान में बसा सबसे सुंदर शहर। इतिहास के कुछ सबसे महान पेगासस क्लाउड स्टेल से ही आए हैं। ओ, मेरे लिए रुको। तुम्हारे पंख कितने खूबसूरत है। ओ, थैंक यू। अपने पंख संभाल कर रारजी, वो रेशम और सुबह की ओस की बूंदों से बने हैं और वो बहुत ही नाजुक हैं। चिंता मत करो ट्वाइलाइट, मुझे नहीं लगता लोगों के देखने भर से ही ये खराब हो जाएंगे।
क्योंकि हम यहाँ पर हैं, मैं देखना चाहूँगी मौसम कैसे बनते हैं। अच्छा आइडिया है, कम ऑन गर्ल्स, वेदर फैक्ट्री चलते हैं। ये वो जगह है जहाँ स्नोफ्लेक्स बनते हैं। यहाँ सब कुछ हाथ से बनाया जाता है, इन्हें बनाना बहुत ही बारीकी का काम है। ओह, यहाँ ऊपर से तो स्नोफ्लेक्स और भी सुंदर दिखाई पड़ते हैं। इससे पहले कि रेडिटी विंटर्स को बर्बाद करते, हमें चलना चाहिए। और ये वो जगह है जहाँ पर रेनबोज बनते हैं। हाँ, रेनबोज अपने फ्लेवर्स की वजह से फेमस है। तुम्हें इतने सुंदर पंख कहाँ से मिले? मुझे भी चाहिए। हाँ, मेरी ख्याल से शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। ओहे, देखो, ये तो रेनबो क्रैश है फिर से। रेनबो क्रैश। रारिटी, इन लोगों से बात क्यों कर रही हो? ओह, वो बस मेरे पंखों की तारीफ कर रहे थे रेनबो डैश। हाँ, तुम्हें सोनिक रेनबो के बारे में भूलकर अपने लिए ऐसे पंख बनवा लेने चाहिए। कम ऑन गर्ल्स, चलकर देखते हैं बादल कैसे बनते हैं। उन पर ध्यान मत दो, तुम जरूर वो कंपटीशन जीत लोगी। तुम मजाक कर रही हो, मैं सोनिक रेनबो नहीं कर सकती। और जरा मेरे इन बोरिंग प्लेन पुराने पंखों की तरफ तो देखो, मेरी किस्मत ही खराब है। क्या बात है। क्या ये पुराने पंख? आ जाओ एवरी पोनी, चाहे जितनी फोटोज ले सकते हो। रारिटी, हम यहाँ रेनबो डैश की मदद करने आए हैं, याद है? अपने पंखों का दिखावा करना बंद करो। तुम मुझसे खूबसूरती को छुपाने के लिए कैसे कह सकती हो? रेनबो डैश, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक नहीं लग रही। बिल्कुल, मुझे क्या होने वाला है? सब लोग रारिटी के पंखों को देखने में इतना बिजी है कि जब मैं यंग प्लेयर कंपटीशन में पूरी तरह हारूंगी, कोई नोटिस नहीं करेगा। हे, एक आइडिया है, तुम्हें कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। मैं तुम्हें पूरा दिन उड़ते हुए देख सकती हूँ। वाकई ऐसा कोई है जो अपने पंखों को मेरी तरह इस्तेमाल करना जानता है? कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले लेती हूँ। क्या, क्या बात है। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं कैसे भी कंपटीशन नहीं जीत सकती। मुझे थोड़ी देर लगेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज मेरे साथ मिलकर स्वागत कीजिए प्रिंसेस सेलेस्टिया का। और अब प्लीज स्वागत कीजिए हमारे यंग फ्लायर कंपटीशन के सेलिब्रिटी जजेस का, द वंडर बॉल। और अब चलिए पता लगाते हैं इस साल का बेस्ट यंग फ्लायर प्राइज किसे मिलेगा। ओके, कंटेस्टेंट नंबर वन, तुम्हारी बारी। ओके, नंबर टू, चलो चलें। कम ऑन, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। वो तुम्हें बुला रही है। हाँ, शायद मुझे ही बुला रही है। ओके, नंबर फोर, अब तुम्हारी बारी। मैं हूँ नंबर फोर, पर मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। क्या तुम प्लीज मेरी जगह किसी और पोनी को भेज दोगे? देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, पर किसी ना किसी पोनी को स्टेज पर जाना है। लेट्स डू दिस। मैं क्या करूंगी?
मुझे नंबर 7 पसंद आया। एक बार में 15 बैरल रोल्स कर पाना आसान नहीं है। मेरी फेवरेट नंबर 10 है। वो एक बहुत ही अच्छी पोनी जैसी दिख रही है। अब तक रेनबो डैश और रैरिटी का नंबर क्यों नहीं आया? कॉम्पिटिशन खत्म होने वाला है। नंबर 15 तुम्हारी बारी है। रैरिटी तैयार है। देखो लेडीज, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, अब बस एक ही परफॉर्मेंस का टाइम है। अगर तुम दोनों हिस्सा लेना चाहती हो तो तुम्हें साथ में परफॉर्म करना होगा। तो रेनबो डैश, क्या हम चलें? और अब हमारे आज के फाइनल कॉम्पिटिटर कंटेस्टेंट नंबर 15 और साथ में कंटेस्टेंट नंबर 4। गुड लक रेनबो डैश, अपनी पूरी जान लगा देना। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगी, पर मैंने हमारा म्यूजिक चेंज करवा दिया है। वो पुराना वाला मेरे पंखों से मेल नहीं खाता। Come on, Rainbow Dash, तुम ये कर सकती हो, बस अपना रूटीन याद रखना। फेज वन। बहुत अच्छे रेनबो क्रैश। अब वक्त है फेस टू का। देखो वो कैसे बादलों को घुमा रही है। ये! ग्रैंड फिनाले के लिए मैं सूरज तक उड़ान भरूंगी और पूरी क्लाउड डेल शहर पर मेरे पंखों की छाया होगी और वो इस वक्त को सालों तक याद रखेंगे। लगता है ये सब बदलने का मेरे पास आखिरी मौका है। फेज 3, द सोनिक रेनबो। पंखों मेरा साथ देना। तरफ देखो इक्वेस्ट्रिया, मैं हूँ तुम्हारी चहेती रैरिटी। सुंदर पंखों को दिखावा करने के लिए माफी चाहती हूँ। मेरे ख्याल से मेरा दिमाग खराब हो गया था। कोई बात नहीं, प्यार करते हैं। और खासकर इस बात की माफी चाहती हूँ कि मैं आखिरी मिनट में कॉन्टेस्ट में कूद पड़ी, ये जानते हुए कि तुमने इसके लिए कितनी मेहनत की थी। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? ओ, कोई बात नहीं, अंत में सब कुछ ठीक हुआ है ना। पर काश मैं वंडरबोल्ट्स को तब मिल पाती जब वो जाग रहे थे।
ओ माय गॉश। तुम ही वो पोनी हो जिसने हमारी जान बचाई। हम तुमसे मिलकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते थे। ओ माय गॉश। प्रिंसेस। हेलो ट्वाइलाइट स्पार्कल, और तुम्हारे दोस्तों को भी हेलो। प्रिंसेस सेलेस्टिया, कॉम्पिटिशन बर्बाद करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। रेनबो डैश वाकई में इक्वेस्ट्रिया की सबसे अच्छी फ्लायर है। मैं जानती हूँ माय डियर, और इसलिए इसकी बेमिसाल बहादुरी और शानदार सोनिक रेन बूम के लिए मैं पेश करना चाहती हूँ ग्रैंड प्राइज इस साल की बेस्ट यंग फ्लायर के लिए, जो है रेनबो डैश। तो ट्वाइलाइट स्पार्कल, तुमने अपने इस नए अनुभव से दोस्ती के बारे में क्या सीखा? बहुत कुछ प्रिंसेस, पर मेरे ख्याल से रैरिटी ने मुझसे कहीं ज्यादा सीखा। सही कहा ट्वाइलाइट, मैंने सीखा कि अपने पैर जमीन पर रखना और अपने दोस्तों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बहुत अच्छे, शाबाश रैरिटी। ये सच में आज तक का सबसे शानदार दिन है। हे रेनबो क्रैश, सॉरी रेनबो डैश, हम तुम्हें ये कंपटीशन जीतने के लिए बधाई देना चाहते थे। वो सोनिक रेन बूम वाकई शानदार था। थैंक्स गाइस। हम तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए भी तुमसे माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं, उसके बारे में चिंता मत करो। हे, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? शायद तुम हमें बता सको कि तुमने वो लाजवाब ट्रिक कैसे की। सॉरी बॉयज, पर मेरे कुछ और प्लान्स हैं। कौन? ओ तुम, हाउलोशियस, कम ऑन, कोशिश करो। विनोना? मेरा मतलब विनोना के सर? क्या ये वाकई अजीब या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है? एंजल, गमी, ठीक है, ये वाकई अजीब से भी एक कदम आगे बढ़कर पहुंच गया है डरावने की तरफ। माफ करना रेनबो, अगर हमारे पेट्स ने तुम्हें परेशान किया हो। चलो सॉरी बोलो ओपल, वो माफी मांग रही है। तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम अक्सर अपने पेट्स को यहाँ इस पार्क में प्ले डेट के लिए लाते हैं। सच में इस वक्त हर हफ्ते? मुझे लगा तुम्हें पता है। तुम्हें नहीं पता, उसे नहीं पता। हमने पहले रेनबो को बुलाने के बारे में सोचा था बेशक, लेकिन हम तुम्हें बुलाने ही वाले थे, पर तभी ट्वाइलाइट को याद आया कि तुम्हारे पास कोई पेट नहीं है, और रैरिटी को याद था कि तुम्हें दोपहर में सोना पसंद है, इसलिए एप्पल जैक ने सोचा कि तुम कुछ भी मिस नहीं करोगी, और फ्लटरशाय और मैंने अपने सिर हाँ में हिला दिया। प्लीज हमसे गुस्सा मत होना। मैं गुस्सा नहीं हूँ, तुम सब सही हो। पेट प्ले डेट का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई पेट नहीं है। सही कहा। तो अगर तुम हमें इजाजत दो। जरा एक मिनट रुको, मेरे पास अभी कोई पेट नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास कभी कोई पेट नहीं होगा। वाकई तुम्हें सच में एक पेट चाहिए? सच में? क्योंकि मेरे घर पर तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉइसेस हैं। ओ, और मैं जानती हूँ तुम्हें वो बहुत पसंद आएगी। ओ, और वो बहुत पसंद आएंगे। तुम उनकी सबसे अच्छी दोस्त बनोगी हमेशा हमेशा के लिए। सुनो रेनबो, मैं कैसे खुशी जताऊं? यहाँ की गर्मी में तुम ठीक रहोगी, कर मैं सच बताऊं। मुझे ये जगह पसंद है, पर साथ में रूल्स भी हों, पर ये भी जरूरी है मेरा पेट यहाँ सबसे ज्यादा कूल हो।
है पास मेरे कई चॉइसेस तुम्हें आएंगे पसंद जरूर। मेरा पेट्रो बुलेट सा तेज संग जाए मेरे दूर। श्योर ये रहा बानी, क्यूट है स्वीट है तेज भी है। क्यूट है स्वीट है पर थोड़ा अजीब है, रखो यकीन। देखो मैं ले आऊंगी एक ऐसा पेट जो तुम्हें पसंद हो। रेनबो डैश अब मान भी जाओ। सब ठीक है पर इसे उड़ना नहीं आता। सच में? क्योंकि ये तो बहुत प्यारा है और तुम्हें बहुत पसंद भी करती है। देखो इसे कितना प्यारा है ये। बिल्कुल नहीं। मेरे पास से ऐसी चॉइसेस जो पसंद आएंगी तुम्हें। देखो ऑटर्स भी हैं और सील्स भी हैं। ऑटर्स और सील्स उड़ते नहीं हैं। हाँ सील उड़ नहीं सकता पर पानी में ये बहुत अच्छी कलाकारी करता है। बस बहुत हुआ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। रुको यहाँ पेट मिलेगा जो तुम्हें पसंद आएगा। देखो ये लेडी बर्ड या ये क्रिकेट, और बड़ा और कूल भी। बड़ा और कूल भी राइट। इस पेड़ पे है एक ऐसा पेट जिसका साफ है दिल, ये स्क्विरल। ये एक स्क्विरल है। स्क्विरल नहीं, फ्लाइंग स्क्विरल है। हाँ जैसा कि मैं कह रही थी। देखो फ्लाटर फ्लाई, बात ऐसे ना बनेगी, मेरा पेट भी हो मुत्साही। हो वो ऑसम और हो शानदार, उड़ना चाहे मेरे संग ही। मुझे लगता है तुम्हें उड़ने वाला पेट चाहिए। हाँ चाहिए। मेरे पास है कई शानदार पेट्स जो उड़ते जाए, जैसे देखो ये प्यारी हमिंग बर्ड या ये बटरफ्लाई। देखो कैसा है, आओ ये वॉस्प और ये पंछी, पेट बना लो तुम इनमें से किसी को भी। है ये ईगल शानदार, ये भी चॉइस है दमदार, पर शायद तुम्हें चाहिए मिस्टीरियस पेट। ये हुई ना बात। लेकिन अब बहुत सारे पेट्स हो गए हैं, इनमें से किसी एक को कैसे चुनूं? है इतनी चॉइसेस, अब किसको चूज करूं? इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये बैट है ऑसम पर वॉस्प भी अच्छा है। कोई है जिसके हो येलो स्ट्राइप्स बताओ? नहीं। देखो इस फ्लेमिंगो को तुमसे ही मिलना है। अब मैं क्या करूं, कोई बताओ? समझ में, मुझे आ गया, बस एक ही रास्ता है। चलो अब देखें कौन सा जानवर है बेस्ट। हो एक कॉन्टेस्ट जिसमें वो अपना टैलेंट दिखाए, और यही होगा अच्छे पेट का टेस्ट। अच्छी बात है, चलो शुरू करें, अब देखेंगे किसे रखेंगे। होना चाहिए कूल मेरे जैसा, होना चाहिए सबसे बेस्ट, इसी रखा ये कॉन्टेस्ट। इस पूरी दुनिया में नंबर वन होगा मेरा पेट, मेरा पेट हो बेस्ट, और सबसे बेस्ट पेट ही जीते। तुम सबको लगता है तुम मेरे पेट बनाने के लिए बिल्कुल सही हो। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। अगर तुम में से किसी को लगता है कि वो ये नहीं कर सकता तो बेहतर है बेइज्जती होने से पहले निकल जाओ। ये मुकाबला कमजोर दिल वालों के लिए नहीं, तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, समझ गए तुम? तुम इसे फ्लैपिंग कहते हो? अब बेहतर है, टीम डैश में तुम में से सिर्फ एक के लिए ही जगह है, और मेरी फ्यूचर पेट को पूरी जान लगा देनी होगी। कोई सवाल? मेरे पास एक है, क्या उसे पता भी है एक पेट को असल में क्या चाहिए? हाँ, जैसे कि उनका ख्याल रखना, उन पर ध्यान देना, प्यार और ब्रेथ मिंट्स। अब सब लोग ध्यान दो और पूरी कोशिश करना। और सीरियसली फ्लटरशाय, एक टर्टल, तुम उसे यहाँ किस लिए लेकर आई? दरअसल वो एक टॉर्टॉइस है और वो हमेशा से किसी पोनी का पेट बनना चाहता था। वो बस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता है, वो किसी के रास्ते में नहीं आएगा। नहीं। ओह, उसे कोशिश तो करने दो। पर वो बिल्कुल भी दौड़ नहीं पाएगा, जरा उसकी तरफ देखो तो सही। उसे कोशिश करने देना चाहिए। पर उसे कोशिश तो करने दो। ठीक है, पर ये मत कहने मैंने बताया नहीं, ये कोई खेल नहीं है, समझे? अब इस खेल से पता चलेगा कि तुम में से किस पेट के पास वो जरूरी क्वालिटीज है जिसकी मुझे तलाश है।
स्पीड, तेजी से मुड़ने की कला, हिम्मत, स्टाइल, कूलनेस, ऑसमनेस और ताकत। क्या ये सब एक ही चीज नहीं है? तुम्हें ऐसा ही लगेगा ट्वाइलाइट, और इसलिए तुम कभी मेरी पेट नहीं बन सकती। स्पीड, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट। थोड़ा तेज है, ज्यादा तेज नहीं है, बहुत तेज, और तेज हो सकता है। हाँ, इसे कहते हैं स्पीड। ये बुरा हुआ। मुड़ने की कला, थोड़ी कला है, नहीं मुड़ सकता। काफी तेज मुड़ सकता है, और तेज मुड़ सकता था। तुम्हें पता भी है मुड़ने की कला का ऑपोजिट क्या होता है? देखो, या बेबी, इसे कहते हैं तेजी से मुड़ने की कला। मुझे इंतजार मत करवाओ। तुम्हारे स्कोर में से एक पॉइंट काटना पड़ेगा। ओके, तो तुम में से किसके पास हिम्मत है ओपेलेसन से उसका फेवरेट खिलौना छीनने की? हिम्मत चाहिए। स्टाइल, मेरी पेट का अच्छा दिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हें मुझे अच्छा दिखाना है। कूलनेस, थोड़ा कूल है, कूल नहीं है, काफी कूल है, और कूल हो सकता है, जैसे मैंने सोचा वैसा नहीं है। मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही। अब इसे कहते हैं कूल आवाज, थोड़ा ऑसम है, ऑसम नहीं है, और ऑसम हो सकता है। हाँ, ये है ऑसम। तुम ये पहले भी कर चुके, तुम शायद बस यही कर सकते हो। हाँ, वाकई में बहुत औसम था, पर माफ करना, ये ताकत का मुकाबला है, तो मुझे इसके लिए कुछ पॉइंट्स काटने होंगे। सुनो टर्टल, जो भी हो, तुमने बहुत मजे कर लिए, पर शायद हम दोनों को पता है कौन किसके लिए बना है। तुम मेरे लिए नहीं बने। मेरा मतलब, कोशिश करने के लिए ए मिलता है। तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली। शायद मेरे पास तुम्हारे लिए गोल्ड स्टार स्टिकर है, पर सीरियसली, घर जाओ। तुम आज मुझे परेशान कर रहे हो। तो जो भी हो, तुम सभी बहुत शानदार खिलाड़ी हो, पर तुम में से कोई भी एक ही हो सकता है नंबर वन। इसलिए आखिरी टाई ब्रेकिंग मुकाबला होने वाला है। थोड़ा सा ड्रामेटिक पॉज। एक रेस मेरे साथ, गहरी खाई से होकर। तैयार हो?
कोई डरावनी नहीं है, ये मजेदार है। मैं हजारों बार इसमें से होकर उड़ी हूँ, तो मैं तो सबसे आगे रहूंगी। पर तुम में से जो कोई भी मेरे साथ फिनिश लाइन को पार करेगा, वो ये साबित कर देगा कि वो मेरे बराबर उड़ सकता है, और उसे ही मिलेगा मेरे पेट बनने का सम्मान। तैयार, गेट सेट, गो। तुम बस देखते जाओ। पकड़ कर दिखाओ। कितनी धीमी रफ्तार है, तुम जीतना चाहते हो कि नहीं? तो गड़बड़ है। रेनबो डैश कहाँ है? वो बड़ी सी खाई, वहाँ की तो जमीन धस गई है। रेनबो? हाँ? वो कहाँ जा सकती है? वहाँ देखो, वो तो टर्टल है। जो भी हो, और वो अपनी पीठ पर कुछ उठा कर ला रहा है। वो रेनबो डैश है, ये वही है, ये रेनबो है। हे, तुम वापस आ गई? क्या बात है? शायद हमें उनके पास चलना चाहिए। छोटे मियाँ, हाँ, ऊपर वाले का शुक्र है तुम्हें चोट नहीं लगी। सिर्फ मेरा घमंड टूट गया। उम्मीद करती हूँ धूल उड़ने का कोई अच्छा मतलब निकले। अच्छा,
बिल्कुल, इसका मतलब है रेनबो के पास अब पेट आने वाला है, हम सब की तरह। थैंक्स, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। रेनबो, तुम्हारा नया पेट यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ओ, सही कहा, हाँ वो क्या बात है, तुम्हें तुम्हारा परफेक्ट पेट मिल गया ना। बेस्ट से भी बेस्ट, जैसा कि तुम्हें चाहिए था, याद है? वो उड़ सकता है और वो कोई गिलहरी नहीं है। क्या हम फिर से वो गाना दोहराएं? एक फाल्कन तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा रेनबो। आराम से दोस्त, डरने की कोई बात नहीं। फाल्कन बहुत ही कूल दिखता है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पेट मुझे चाहिए था। ये? पर मैंने कहा था फिनिश लाइन पर जो मेरे साथ आएगा वही मेरा पेट बनेगा। तुमने कहा था, तुमने ठीक ऐसा ही कहा, उसने ऐसा कहा था, यही तो रूल था। और वो इकलौता रेसर जिसने मेरे साथ लाइन पार की और जो मुझे बचाने के लिए रुका जब मुझे मदद की जरूरत थी, वो है टॉर्टॉइज। पर बाकी सबका? जरा उसे तो देखो, वो मुस्कुरा रहा है, वो भी धीरे से। स्पाइक, एक लेटर लिखो। डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, मुझे लगता था कि किसी भी पेट या दोस्त की सबसे जरूरी क्वालिटीज उसकी बाहरी बनावट और मुकाबला करने की ताकत होती है, पर अब मुझे पता चल गया है कि मैं कितनी गलत थी। आज मैंने सीखा कि सबसे जरूरी क्वालिटी होती है एक अलग तरह का जोश और लगन जो कभी हार ना माने, और एक ऐसा एटीट्यूड जो कि असली विनर की पहचान होती है, और इस टॉर्टॉइज के पास वो सब है। अचल रहना गजो नाइट, तुम इस नन्हे दोस्त को नहीं रोक सकते, वो है बिल्कुल एक टैंक की तरह। मगर रेनबो, तुम्हें तो ऐसा पेट नहीं चाहिए था जो उड़ नहीं सकता, क्योंकि वो तुम्हें जमीन पर रखेगा और आगे नहीं बढ़ने देगा। Come on, टैंक, हम अपने पहले पोनी पेट प्लेडेट के लिए लेट हो जाएंगे। Attention every pony, attention! The official Rainbow Dash Fan Club में सब शांत रहेंगे, तो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले ऑर्डर से। मैं ऐलान करती हूँ कि रेनबो डैश को पोनीवेल की सबसे ऑसम पोनी घोषित किया जाए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप डिक्शनरी में ऑसम शब्द ढूँढे तो वहाँ रेनबो डैश की तस्वीर होनी चाहिए। मुझे मंजूर नहीं। मेरे ख्याल से ऑसम बहुत ही हल्का शब्द है, रेनबो डैश उससे बेहतर है। मैं ऐलान करता हूँ हम उसे घोषित करें सबसे स्टूपेंडस पोनी। स्टूपेंडस? क्या तुम बस इतना ही सोच सकते हो? मैं ऐलान करती हूँ उसे घोषित किया जाए वंडरफुल, एस्टोनिशिंग, ब्रेथटेकिंग, एस्टाउंडिंग, बेडाजलिंग। क्या ख्याल है सुपर अल्ट्रा एक्सट्रीम ऑसम अमेजिंग के बारे में? हाँ, सही कहा। तो हम रेनबो डैश को बुलाएंगे सुपर अल्ट्रा एक्सट्रीम ऑसम, जो भी है, सबसे अच्छी पोनी कहलाएगी वो। कहो हाँ। कितना खूबसूरत दिन है, एक पेगासस को सुपर रिलैक्स महसूस कराने के लिए बादलों में डुबकी लगाने से बेहतर कुछ भी नहीं है। बचाओ, बचाओ। लगता है मेरे आसमान के सर को इंतजार करना पड़ेगा। मैं रेनबो डैश हूँ, मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ। वाओ, ये भीड़ कैसी। थैंक यू एवरी पोनी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, मेरे लिए थी। तुम मेरे हीरो हो रेनबो डैश। रेनबो डैश वाकई लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब। Yeah!
सभी पोनीज के हीरो के लिए चेयर नहीं कर रहा, रेनबो डैश के लिए। डिक्शनरी में रेनबो डैश की ऑसमनेस बताने के लिए ज्यादा शब्द है ही नहीं। मैं कुछ नए वर्ड सोच सकती हूँ। तुम थोड़ी सी घमंडी बोल सकती हो। नहीं, पर वो ऑसम तो है। ये क्या हो रहा है? घबराओ मत, तुम्हारी दोस्त रेनबो डैश आ गई है। तुमने कमाल कर दिया, तुम हमारी हीरो हो रेनबो डैश। रेनबो डैश, रेनबो डैश, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। रेनबो डैश, रेनबो डैश, रेनबो डैश, रेनबो डैश, रेनबो डैश। चाहे तुम लोग मुझे बेवकूफ कहो, पर मुझे लगता है ये हीरो बनने का बुखार रेनबो के सर चढ़ रहा है। तुम ठीक कह रही हो बेवकूफ। और तभी मैं जूम करके कुएं में चली गई। मैं जानती थी वहाँ बहुत अंधेरा था, पर मैं नहीं रुकी। डेंजर तो मेरा मिडल नेम है, रेनबो डेंजर डैश। मैंने उस दिन बहुत ही ऑसम हीरो की तरह काम किया था। उस दिन ऑसम हीरो उस दिन और ऑसमली घमंडी उस दिन के बाद से। हे एप्पल जैक, मेरी दोस्त होने के नाते अमर होने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या क्या तुम नोट्स ले रहे हो? हाँ, मुझे रेनबो डैश ने खुद चुना है अपनी बायोग्राफी के लिए। बायोग्राफी तो जिस पोनी की होती है उसे खुद लिखनी होती है ना? शायद तुम जैसी आम पोनीज के लिए ऐसा होता होगा, पर मैं लोगों की जान बचाने में बहुत बिजी रहती हूँ, इसलिए मैंने स्पाइक को चुना अपनी कहानी लिखने के लिए। हाँ खैर, स्पाइक वो सब कुछ लिखता है जो मैं बोलती हूँ, है ना स्पाइक? है ना स्पाइक, लिख लिया। इस तरह मैं बहादुरी के कारनामों को अंजाम देने पर ध्यान दे सकती हूँ, जिन्हें करने की हिम्मत किसी पोनी में नहीं है। इसमें हिम्मत की जरूरत होती है और थोड़ी सी दिमाग की भी, कभी कभी लंच और थोड़ी सी नींद भी। एक हीरो बनना हर एक पोनी की बस की बात नहीं है, पर ये चैलेंज लेने के लिए मैं तैयार हूँ। ये लो। एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह बनूंगी। सपने देखो बच्चे, पर ज्यादा ऊंचे नहीं। तुम्हें लगता नहीं तुम्हें वहाँ जाकर उसे बचाना चाहिए? हाँ हाँ, मेरे पास अभी 10 सेकंड्स बचे हैं, बस थोड़ी देर और। ये टेंशन झेली नहीं जा रही, क्या रेनबो डैश वक्त पर पहुंच पाएगी? वो पोनी ना जाने कहाँ से आई। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कारनामा कभी नहीं देखा। सही कहा, पोनी विल को एक नया हीरो मिल गया है, एक रहस्यमय मेयर जिसने हमारे शहर के लिए कुछ अच्छा किया है। मैं इस नकाब वाले हीरो का नाम रखती हूँ द मिस्टीरियस मैडुवेल। मैडुवेल? हाँ, वेल उस मेयर के लिए अच्छा होगा कि वो मेरे रास्ते में ना आए। पोनी विल में सिर्फ एक ही हीरो के लिए जगह है और वो हीरो हूँ मैं। घबराओ मत, तुम्हारी दोस्त रेनबो डैश। माफ करना, पर तुम यूं ही बात करती रहोगी या फिर जल्दी हमारी जान बचाओगी? ठीक है, पीखी पीखी। वाह!
मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं ड्यूएल मुझसे ज्यादा ताकतवर है। खैर, एक हीरो होने के लिए सिर्फ ताकत जरूरी नहीं, एक न एक दिन उसे पता चल ही जाएगा। घबराओ मत, तुम्हारी दोस्त रेनबो। घबराओ मत, मैं आ रही हूँ, रुक जाओ। बाल बाल बचे, ये लो, बिल्कुल सुरक्षित। वेल मैडूवेल, या फिर मैं तुम्हें बुलाऊं मैडू स्लो। तुम्हें मेरे साथ मुकाबला करना है तो मेरी तरह बिजली की स्पीड पकड़नी होगी। दरअसल इसने हमें बचाया है, अगर हम सुरक्षित हैं तो इसकी वजह से। ओके, वो ताकतवर है, तेज है और किसी तरह उसे सब पहले से ही पता होता है। अब मुझे और मेहनत करनी होगी। अगर वो बांध टूटा तो पूरे शहर में बाढ़ आ जाएगी। लगता है पोनीविल को एक हीरो की जरूरत है। इजी पीजी, मैं यहाँ पर आ गई हूँ। काश यहाँ मेरी पीठ थपथपाने के लिए कोई होता, मुझे शाबाशी देता। जरा मुझे समझने दो, वो ताकतवर है, वो तेज है और वो जादुई है। अब मैं उसका मुकाबला कैसे करूं? जरा एक मिनट, मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है और वो है मेरे पंख। अब बोलो मैं ड्यूएल। ओह भगवान के लिए, मानना पड़ेगा मैं ड्यूएल के कारनामे काफी हीरो वाले हैं। मैं भी कहना चाहूंगी, उसने डैम को ठीक करने के लिए जो जादू किया था वो काफी काबिल तारीफ है। देखकर लगता है काफी पढ़ाई करनी हुई होगी उसे। वाकई सब पोनीज की सुरक्षा की परवाह है। तुमने उसका कॉस्ट्यूम देखा, कितना खूबसूरत है, और वो फैशन के मामले में भी सब कुछ जानती है। और वो बहुत ही मॉडेस्ट और सीधी है, उसके काम उसके लिए बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे कुछ भी मानने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता वो इतनी महान है। इतनी महान? मैंने ऐसा नहीं कहा। लगता है कोई पोनी जेलस फील कर रही है। कौन है? रेनबो डैश बहुत जेलस है। वो मत लिखो स्पाइक। करेक्शन, रेनबो डैश बहुत ज्यादा जेलस है। ठीक है, जितना मर्जी हंसो, पर उस वक्त मैं भी हंसूंगी जब मैं ये साबित कर दूंगी कि मैं भी उसके जितनी नहीं, मैं ड्यूएल से भी बेहतर हीरो हूँ।
कोई भी मुसीबत में फंसा नहीं है। बसेस और बेबी कैरेजेस हमेशा इस पहाड़ी से फिसलते हैं। जब आपको जरूरत होती है तो वो बेकाबू गाड़ियाँ कहाँ चली जाती हैं? यहाँ भी कोई अजीब सी मुसीबत नहीं दिखाई दे रही। जब सब कुछ इतना नॉर्मल और सेफ है तो मैं अपने आप को साबित कैसे करूँगी? एक सेकंड ग्रैनी स्मिथ, तुम मेरे साथ चालाकी नहीं कर सकती। मुझे पता है तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी ही। तो बताओ ये क्या है? आप शक्ल से बहुत बहादुर लग रही हैं, मैं समझ गई। पर आपको ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं सड़क पार करने में आपकी मदद करूंगी। दरअसल मैं ये सड़क अपने आप पार कर सकती हूँ। चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में। पीछे हटो, मैं अब तक बूढ़ी नहीं हुई हूँ। छोड़ो। ये लीजिए, हम पहुंच गए और वो भी बिल्कुल सेफ। आपको नहीं लगता कि मुझे इस काम के लिए थोड़ी तारीफ मिलनी चाहिए? हाँ बताइए ना। पहली बात तो कि मुझे ये सड़क पार ही नहीं करनी थी। बदतमीज। लगता है कोई मुसीबत में है। ये क्या? इसे मुझे देखने दीजिए मैम, आपकी सुरक्षा के लिए। प्लीज थोड़ा पीछे हट जाइए। ये क्या नया नाटक है? थैंक्स। मैंने अभी जो किया आपको कैसा लगा? आपको नहीं लगता ये शानदार था? तुम कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं पूछ रही? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं शानदार थी या नहीं? तुम शानदार हो, ठीक है, और तुम शानदार के साथ। देखिए बहादुरी का एक और कारनामा, मैंने उस घास को बचा लिया। किससे बचा लिया? कीड़ों से। वो कीड़े जो इस घास को खत्म करना चाहती थी। बकवास। मैं क्या कर रही हूँ? सब लोग बस यही बात कर रहे हैं, मैं डूवेल ऐसी है, मैं डूवेल वैसी है, लेकिन मेरा क्या? सब लोग मुझे इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हैं? मेरा मतलब, क्या मैं बदल गई हूँ? वही शानदार शरीर, वही लहराते बाल, वही खूबसूरत हूव्स? नहीं, मैं अभी भी औसम हूँ। वो लोग गलत हैं। पर फिर मैं अकेली क्यों हूँ? मुझे अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं। रेनबो डैश। मैं जानती थी। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं बच्ची, गलती तो किसी से भी होती है। गलती? कैसे गलती? एक मिनट रुको, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें इनवाइट करने के लिए। हम लोग एक थैंक यू परेड करने वाले हैं पोनीवेल के सबसे महान हीरो मैं डूवेल के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ? मुझे अकेला रहना पसंद है। ओहो ठीक है, बाद में मिलते हैं। हाँ ठीक है, जैसे मैं उसे थैंक यू बोलने वाली हूँ। ओह थैंक यू मैं डूवेल, तुम जो भी हो। हे बच्ची रुको। पहले तो आप सबका स्वागत है पोनीविल की थैंक यू परेड में, जो निकाली जा रही है हमारी सबसे महान हीरो द मिस्टीरियस मैं डूवेल के सम्मान में। मिस्टीरियस मैं डूवेल? हाँ तुम क्या छिपा रही हो? चलो देखते हैं तुम्हारे इस नकाब के पीछे क्या छुपा है। ये क्या है? हाँ
होगी। ठीक है मिस मिस्टीरियस, मिस्ट्री सॉल्व्ड। पिंकी बाय। ट्वाइलाइट, एप्पलजैक, ये तुम तीनों थी? हाँ, हम सब मेयर ड्यूवेल का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। मैंने उस बेकाबू कैरेज को इनकी मदद से रोका, मेरा ये नया इन्वेंशन। और मैंने उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अपनी पिंकी सेंस की मदद से बचाया। सॉरी, कोई बात नहीं। और मैंने डैम को बचाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। और उसके बाद मैं वहाँ से उड़ते हुए निकली थी। और मैंने कॉस्ट्यूम्स बनाए, शानदार अगर मैं खुद अपनी तारीफ करूँ तो। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्यों? क्या तुम लोग नहीं चाहती थी कि मैं हीरो बनूं? ऑफ कोर्स हम सब चाहते हैं कि तुम हीरो बनो। पर एक असली हीरो कभी खुद की तारीफ नहीं करता। शायद मैंने थोड़ी सी तारीफ कर ली। क्या कहा, थोड़ी? ठीक है, बहुत सारी। अपनी कामयाबी की खुशी मनाना अच्छी बात है, पर उसे सबके ऊपर थोपना अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर किसी पोनी के मुंह पर कुछ लगाया जा सकता है वो है चॉकलेट केक। मेरे ख्याल से हम अपनी बात से हट रहे हैं। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि किसी चीज में अच्छा होना अच्छी बात है, पर हमें हम्बल होना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। अब मुझे समझ आ रहा है। हाँ, तुम सही हो। और मेरे ख्याल से जब कोई मुझसे बेहतर हो तभी मुझे नरमी से पेश आना चाहिए, जैसे कि मैं ड्यूवेल। लगता है तुम्हारे पास प्रिंसेस सेलेस्टिया को भेजने के लिए एक लेटर है। मैंने सब लिख लिया है, गोस्ट राइडर होने के नाते मैंने प्रिंसेस को पहले ही लेटर लिख लिया। तुम बहुत अच्छे हो स्पाइक, पर ये लेटर मैं खुद लिखना चाहती हूँ। कम ऑन, मैंने सब कुछ पहले ही लिख लिया है। ठीक है, तो फिर से पढ़कर सुनाओ। डियर प्रिंसेस, बच के, वो एक असली भूत है। हे रैरिटी, हे पिंकी पाई, तुम दोनों क्या देख रही हो? रेनबो डैश है ना, वो सबसे खतरनाक खतरों की खिलाड़ी। मेरा मतलब खतरों की खतरनाक खिलाड़ी, मतलब वो बिल्कुल चकाचौंध है। ओह हाँ, ये अच्छा शब्द है, वो बिल्कुल चकाचौंध है। ज़्यादा ही चकाचौंध हो गई। वो ठीक तो हो जाएगी ना? ओह, मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या उसका चेहरा वैसा ही रहेगा? अब वो कैसी है डॉक्टर? ये ठीक हो जाएगी। ये लकी है कि तुम जैसे उसके दोस्त हैं, जो जल्दी उसे यहाँ से ले जाएंगे। मुझे यहाँ और कितने दिन पड़ा रहना होगा? मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। वेल, ये सब तुम्हारे ठीक होने पर है, पर मैं कहूँगा कम से कम कुछ दिन और। तुम लोगों को मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा, इससे पहले कि मैं दीवार पे चढ़ूं। बिल्कुल किसी मकड़ी की तरह। क्या इसके पास भी सुपर डुपर स्पाइडर पावर्स आ गई है, बताइए? नहीं, और ना ही उसके पास कोई कमाल की सब कुछ ठीक कर देने वाली ताकत आई है। उसे कुछ दिन और बेड पर रहना होगा। कुछ और दिन? ये कुछ महीने भी हो सकते हैं या फिर कुछ साल। ये इतना भी बुरा नहीं है रेनबो डैश। मुझे यकीन है यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा होगा। और हॉस्पिटल गाउंस ये पर्दों से मैच करते हैं। और वो देखो, तुम्हारी एक रूममेट भी है। ये क्या है? डेयरिंग डू एंड द क्वेस्ट फॉर द सफायर स्टोन। ये सीरीज की सबसे पहली स्टोरी है, मेरे पास सारी हैं। नो थैंक्स, मुझे पढ़ना नहीं पसंद। मैं एक वर्ल्ड क्लास एथलीट हूँ। किताबें तुम जैसे पढ़ाकू अंडों के लिए हैं ट्वाइलाइट, बुरा मत मानना, पर मैं ये नहीं पढ़ रही।
ये बेशक बेझिझक बेहद अनकूल है। ये सब क्या है, कैसा मजाक कर रही हो तुम? मजेदार कहानियाँ पढ़ना किसे नहीं पसंद? तुम्हें पता है एक अच्छी किताब संडे सुबह की सिल्क पजामे की तरह शानदार होती है। पढ़ना तो सब पोनीज को पसंद है रेनबो डैश। हाँ मुझे पढ़ना पसंद है, और मेरा सर तो किसी पढ़ाकू अंडे जैसा नहीं लगता, ये तो बिल्कुल किसी एप्पल जैसा है, या फिर किसी संतरे जैसा, या किसी तरबूज जैसा। ऑल राइट माय लिटिल पोनीज, रेनबो डैश को आराम की जरूरत है, अब तुम कल वापस आना। मेरे ख्याल से तुम्हें खतरों के खिलाड़ी पसंद आएगी, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, एडवेंचरस, जोशीली और डेफिनेटली बेशक अनस्टॉपेबल। वक्त गुजारने का तरीका मुझे पता चल गया। जाने दो। जैसे जैसे डेरिंग डू घने जंगल में आगे बढ़ रही थी, उमस ने उसकी सारी एनर्जी सोख ली और उसका हर कदम धीमा हो गया। काश वो इस खराब मौसम से बचकर ठंडे नीले आसमान में उड़ पाती, पर जंगल में उसकी क्रैश लैंडिंग से उसके पंखों को काफी चोट लगी और उसे कुछ दिन जमीन पर रहना होगा, कुछ दिन और कुछ महीने भी हो सकते हैं, या कुछ साल भी। मैं तुम्हारे साथ हूँ बहन। मच्छर जोर से भिनभिना रहे थे, तोते ऊंचे पेड़ों पर तन्हाइयों पे बैठे शोर मचा रहे थे, फिर भी इन सबकी आवाजें हर कदम पर उसका पीछा कर रहे शिकारियों की आवाज नहीं छुपा पा रही थी। तरफ सुरक्षित उतरकर डेरिंग ने आखिरकार चैन की सांस ली, पर जैसे ही वो दूसरी तरफ मुड़ी तो उसके चेहरे के ठीक सामने था वो पुराना खोया हुआ मंदिर जिसे वो पिछले 60 दिन और 60 रातों से ढूंढ रही थी। मुझे ये मानना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और अपने दोस्तों के सामने तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगी कि मैं ये स्टोरी एंजॉय कर रही हूँ। मुझे, मुझे, मुझे पढ़ना पसंद है। मैं एक पढ़ाकू अंडा हूँ। डेरिंग डू जैसे ही उस मंदिर के एंट्रेंस के पास पहुंची, उसे आने वाले खतरे का एहसास हो गया।
दोस्तों, हम तुम्हारा मन बहलाने आए हैं। हम तुम्हारा फेवरेट बोर्ड गेम भी लाए हैं। हम जानते हैं तुम्हें जीतना कितना पसंद है। पहले तुम चलो रेनबो डैश। नहीं नहीं, पहले तुम। ठीक है, क्लाउड थ्री। अरे नहीं, तुमने मेरे बादलों के ढेर पर बारिश कर दी। दोबारा चलो। स्काई फाइव। वो, तुमने मेरा सीगल ढूंढ लिया। क्लाउड टू। तुमने मेरी वेदर पोनी को हरा दिया। तुमने मेरी बम्बलबी को काट लिया। मेरा थंडरबोल्ट, और वो मेरा आखिरी क्लाउड है। तुमने उसे ढूंढ लिया। तुम जीत गए, मैं हार गई। लेकिन रेनबो डैश, तुम्हारी तो बारी ही नहीं आई। हार जीत तो चलती रहती है, पर तुम कभी नहीं हारती। मुझे याद नहीं कि कभी तुमने कोई आने के लिए शुक्रिया, पर कल तो तुम ये सब करने के लिए बेताब हो रही थी। डू, डेरिंग डू के बारे में किसने क्या कहा? मैंने कहा था मुझे पढ़ना नहीं पसंद। ये मेरे सोने का वक्त है। तुम्हारे साथ खेलकर मजा आया। ठीक है तो फिर। डेरिंग डू बीच वाले मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थी। आखिरकार उसने सामने देखा मशहूर सफायर स्टैचू। यहाँ जरूर कोई पहेली होगी। इन सभी जानवरों में कुछ तो एक जैसा होगा। आहा, ये सभी जानवर शिकारी हैं, सिवाय चूहों के। हमारी पेशेंट आज कैसा महसूस कर रही है? हमें यहाँ ताजी हवा की जरूरत है। तुम भी पसीने से भीग गई हो। वेल दोस्तों, आने के लिए शुक्रिया, लेकिन ठीक है, अब रेनबो डैश के डिनर का वक्त है। बिल्कुल वक्त पर, मुझे बहुत बहुत भूख लगी थी। वेल, हमारी परवाह मत करो रेनबो डैश, बस प्लेट उठाओ और खा जाओ। एक बार और सोच लेते हैं। कल मिलते हैं रेनबो डैश। तुम्हें लगा तो मुझसे भागकर अकेले ही स्टैचू रख लोगी? तुमने गलत सोचा मिस डू। और अब तुम्हारी खैर नहीं है।
वाह, ये बंदा कौन है? तुम बच नहीं सकोगे, समझे? पर मैं तो पहले ही बच चुका हूँ। फिर से नहीं। रेनबो डैश। ओह, मॉर्निंग डॉक। तुम पूरी रात जगती रही? बिल्कुल नहीं। वेल, कोई बात नहीं, कंग्रेचुलेशंस रेनबो डैश, हम तुम्हें हॉस्पिटल से घर भेज रहे हैं। क्या, मुझे घर भेज रहे हैं? नहीं, अभी इसी वक्त। अभी इसी वक्त? अभी के अभी? हाँ, अभी इसी वक्त। रुको, पर मैं अभी ठीक नहीं हुई। जरा आराम से रेनबो डैश, याद रहे उस पंख को अभी एक और हफ्ते इस्तेमाल नहीं करना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि डेयरिंग डू के साथ क्या हुआ? क्या वो इंसान स्टैचू लेकर निकल जाएगा? और डेयरिंग डू के साथ आगे क्या होगा? आहा, ट्वाइलाइट के पास भी ये किताब है। पर मैं उसे वो नहीं मांग सकती। मैंने उसे पढ़ा को अंडा जो बोला। ये सोचकर तो मैं फिर से बीमार पड़ रही हूँ। ओ नहीं, ये दर्द, मेरा दर्द। रेनबो डैश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? वेल, मेरा पंख, इसमें अभी भी दर्द हो रहा है डॉक। ओह, आउच, ठीक यहीं पर। मैं तो तुम्हारे अच्छे वाले पंख को हाथ लगा रहा था। हाँ, वेल, मेरे ख्याल से इसमें भी दर्द हो रहा है। मेरे ख्याल से मैं जानता हूँ प्रॉब्लम क्या है। ये मामला है आलसी पनाइटिस का। पर आप गलत समझ रहे हो, मैं आलसी नहीं बन रही। तुम ठीक हो रेनबो डैश, थोड़ा वक्त दो और तुम जल्दी ही पहले की तरह काम करने लग जाओगी। गुड डे रेनबो डैश, अपना ख्याल रखना। अब मैं क्या करूंगी? डेयरिंग डू के साथ क्या हुआ ये जाने बगैर मैं सो नहीं सकती। जो कि इतना भी बुरा नहीं है। कोशिश करती हूँ, ये रस्सियाँ उतनी ही टाइट हो रही हैं। मदद करो, चोर चोर मेरा चप्पल चुरा के भाग रहा है। मैं तुम्हारी चप्पल नहीं चुरा रही, मैं तुम्हारी किताब चुरा रही हूँ। रुक जाओ चोर। Hey, किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। क्या किसी को ब्यूटी स्लीप के बारे में नहीं पता? Ha ha ha!
रेनबो डैश, क्या हो रहा है? तुम चप्पलें क्यों चुरा रही हो? हे, हॉस्पिटल में वापस जाओ। ये शोर कैसा है? ये शोर शराबा नहीं, धूम धमाका हो रहा था। क्या हो रहा है रेनबो डैश? मैं एक बड़ा खुअंडा हूँ। क्या कहा? मैं हॉस्पिटल में वापस घुसने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं कहानी पूरी कर सकूं। Daring to and the quest for the sapphire statue? तुमने मुझे पकड़ लिया। मैं जानती थी ये किताब अच्छी है, पर ये किताब चोरी करने पे मजबूर भी कर सकती है। अच्छी? बहुत ही शानदार। ये किताब बेशक, बेझिझक, बेहद, बिना रुके पढ़ने लायक है सच में। पर इसके पहले कि मैं इसे पूरा कर पाती, मुझे घर भेज दिया गया। ये जानकर खुशी हुई कि ये सब इस किताब से हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम शोर शराबा मचाओ। धूम धड़ाका मचाओ सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पढ़ना पसंद है। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास इस सीरीज की सारी बुक्स हैं और तुम वो सब ले सकती हो जब भी तुम्हारा मन चाहे। थैंक्स ट्वाइलाइट, मुझे माफ करना, मैंने किसी वजह से गड़बड़ कर दी। मुझे लगता है किताबें करना स्मार्ट पोनीज का काम है। रेनबो डैश, तुम एथलीट हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्मार्ट पोनी नहीं। हाँ, जरा मुझे देखो। किताबें पढ़ने का मजा तो कोई भी पोनी ले सकती है, अगर वो एक बार कोशिश करके देखे तो। हाँ, मैं समझ गई। मैं किसी भी चीज के बारे में इस तरह बुरा नहीं बोलूंगी। ये तो बहुत अच्छा सबक है और प्रिंसेस को लिखने के लिए काफी अच्छा लेटर बन सकता है। क्या तुमने सब सुना? हाँ, बहुत खूब। तो लेटर तुम लिखो, मुझे ये किताब खत्म करनी है। डेयरिंग डो को रास्ते से हटाने के बाद अब दुनिया को मेरा कहर झेलना होगा। मैं हूँ विजेता। इसे मैं ले लेती हूँ। क्या? नहीं, अगली बार और अच्छे से कोशिश करना। तुमने ठीक नहीं किया डेयरिंग डू। और फिर उस सफायर स्टैचू को बचाने के बाद दुनिया पर मंडराता खतरा एक बार फिर टल गया, थैंक्स टू डेयरिंग डू। डेयरिंग डू एंड द ग्रिफिन्स गॉबलेट। ऑसम। पता है क्या जबरदस्त एक्शन था, वो बिल्कुल एक स्टैंड सुपरस्टार की तरह ऊपर उड़ रही थी और फिर रेनबो डैश एकदम नीचे आई सोश, और जैसे ही वो जमीन से टकराने वाली थी वो ऊपर उड़ गई। आहा। और फिर वो गोल गोल चक्कर लगाने लगी, ऐसे 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 ऐसे। आहा। पिंकी पाई, फिर से नहीं। रेनबो डैश, अभी नहीं पिंकी पाई। पर रेनबो डैश, मैं किसी काम से जा रही हूँ। पर कहा ना, अभी नहीं। मैं बताने वाली थी, तुम्हारे सामने एक पहाड़ है। रेनबो डैश को कहीं देखा क्या? अभी कोई बात नहीं, थैंक्स। तुमने रेनबो डैश को देखा है? ओके, ठीक है। ट्वाइलाइट, क्या तुमने रेनबो डैश को कहीं देखा है? वो वहाँ ऊपर नहीं है। रेनबो डैश! बाल बाल बचे। हाँ
से हाय। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब जाने भी दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ इसमें बहुत मजा आएगा। ठीक है। थोड़ा सा दाएं। नहीं नहीं थोड़ा सा बाएं। रुको, वापस दाएं तरफ। अब बस हल्का सा दाएं तरफ रखते हुए बाएं तरफ सर को। रुको। शायद थोड़ा सा नीचे करो। अब कुछ सेंटीमीटर ऊपर की ओर। अब बस थोड़ा सा तुम। मिल्की पाय। मेरा मतलब बिल्कुल ठीक है। अब बस मेरे इशारे का इंतजार करो। रहो रेनबो डैश, हमने स्पाइक को डरा दिया और उसकी हिचकियां शुरू हो गई। बहुत अच्छा पिंकी पाई, तुम हमेशा मेरे साथ ये मजाक करती हो। ओह नो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? क्या बोल रही हो, ड्रैगन्स को कभी कुछ नहीं होता। ओके ठीक है। काश ये स्क्रोल्स भी फायर प्रूफ होते। क्या तुमने इससे ज्यादा मजेदार चीज देखी है? मुझे कुछ याद आ रहा है। मुझे नहीं पता था तुम्हें शरारती करना इतना पसंद है पिंकी पाई। क्या तुम मजाक कर रही हो? मुझे शरारती करना बहुत पसंद है। इसमें कितना मजा आता है। पिंकी पाई को मजे करना बहुत पसंद है। पता है पिंकी पाई, तुम उतनी भी बुरी नहीं जितना मैंने सोचा था। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगी? ये तो बहुत ही। मैं जरूर। तो कब? मेरा मतलब तुम कब से? बस इतना ही ठीक रहेगा। क्या वो अभी घर पर होगी? पता नहीं, इसमें बहुत मजा आने वाला है। वो रही। ये क्या हो रहा है? क्या? नहीं, हम फ्लटरशाय के साथ मजाक नहीं कर सकते। मेरा मतलब वो बहुत भोली है, उसे इस बात का बुरा लग सकता है। हाँ तुम सही कह रही हो। हाँ हमें किसी और को पकड़ना होगा जो थोड़ा मजबूत हो। तो अब किसकी बारी है? मेरे दिमाग में कोई आ रहा है जो सबसे मजबूत है। बहुत खूब, कौन है वो? तुम पहचान सकती हो। तुम उसके काफी करीब हो। क्या मैं उसे जानती हूँ? उठो और तैयार हो जाओ रेनबो डैश, आज एक नया दिन है और हमें बहुत सारी शरारतें करनी है। मॉर्निंग पिंकी पाई।
गिर जा, ये मेरी नई दोस्त है पिंकी पाय। हे, कैसी हो? पिंकी, ये मेरी ग्रिफिन दोस्त है गिल्डा। ग्रिफिन क्या होता है? वो आधी ग्रिफिन और आधी ईगल है। ओह, ऑसम। सही कहा। मेरी जूनियर स्पीडस्टर फ्लाइट कैंप के दिनों से गिल्डा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ही, तुम्हें वो गाना याद है? वो हमसे रोज सुबह वही गाना गवाते थे। उस बेकार गाने को मैं कभी नहीं भूल सकती। तो सिर्फ तुम्हारे लिए डैश। जूनियर स्पीडस्टर है हमारी जिंदगी, ऊंची उड़ान और लंबी छला। जूनियर स्पीडस्टर है हमारा डैश, एक दिन हम बनेंगे सबसे बेस्ट। ये तो बहुत शानदार था और इससे मुझे एक नई शरारत का आइडिया आया है। गिल्डा, तुम तैयार हो? सभी ग्रिफॉन्स की तरह मजेदार शरारतें करना मुझे बहुत पसंद है। पर डैश, तुमने वादा किया था कि हम आज सुबह एक फ्लाइंग सेशन लेंगे। हाँ, वेल, पिंकी पाय, तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना, गिल्डा अभी अभी यहाँ आई है, क्या हम बाद में मिल सकते हैं? हाँ, खैर, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मजे करना, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। वाओ, ये कितना मजेदार था, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। हाँ, पर पहले से ज्यादा तेज। तो अब क्या करें? हाय दोस्तों। हाँ? ये मैं हूँ और मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पिंकी पाय, तुम बहुत ही तेज हो। हे डैश, क्या तुम उस बादल तक रेस लगाना चाहोगी? एक रेस? मैं तैयार हूँ। 1, 2, 3, go! Hey! मैं जीत गई। और रहने भी दो, मैं जीती हूँ। हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है। Come on! मैं तुमसे आगे थी। तुम शायद सपना देख रही हो। तुम मुझे हरा रही हो। वाह दोस्तों, बहुत शानदार रेस थी। पर मुझे लगता है रेनबो डैश ने तुम्हें इतनी से फासले से हरा दिया। एक पंख बराबर फासले से। देखा, अच्छा हुआ पिंकी पाय हमें देख रही थी, है ना जी? ठीक है डैश, जो उस बादल तक आखिरी में पहुंचेगा उसे खाने पड़ेंगे खराब अंडे। गो! ज्यादा ऊंचाई की वजह से तुम्हें चक्कर आ जाएगा बच्ची। रुको, दोस्तों! वाह, तुम लोग पिछली बार मुझसे बचकर निकल गए। तो डैश, क्या तुमने कुछ नया सीखा है या अभी भी पुरानी तरकीबों को ही आजमाती रहती हो? नई तरकीब? जरा पीछे हट जाओ जी, इसमें जरा वक्त लगेगा। हे पिंकी, जरा यहाँ आओ। हाँ? क्या तुम्हें दफा हो जाने का मतलब समझ में नहीं आता? अब जब मैं यहाँ हूँ तो डैश को तुम जैसी चिपकों के साथ घूमने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आसमान को गंदा कर रही हो स्टिंकी पाय, चलो अब भागो। जरा इसकी बराबरी करके दिखाओ। हे, पिंकी पाय और उसका उड़न खटोला कहाँ गए? ओह, वो यहाँ से चली गई। वो कह रही थी कि उसे कुछ काम है शायद। So, पिंकी पाय, क्या तुम्हें यकीन है रेनबो डैश की ये दोस्त वाकई इतनी बदतमीज है? हाँ, वो हमेशा रेनबो डैश को मुझसे दूर ले जाती रहती है। उसने मेरे गुब्बारे फोड़ दिए और उसने मुझे वहाँ से चले जाने को कहा। मैं आज तक इतनी बदतमीज ग्रिफिन से नहीं मिली। दरअसल आज तक किसी भी ग्रिफिन से नहीं मिली। वो खड़ूस और बदतमीज है। तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है पिंकी पाय? वेल, मुझे लगता है तुम जेलस हो। जेलस? जलन से लाल। वेल, तुम्हारे केस में जलन से पिंक। वेल, हाँ, जेलस। सुनो पिंकी, मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहती, पर सिर्फ इसलिए कि रेनबो डैश के एक और दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि गिल्डा बदतमीज है। शायद वो तुम ही हो पिंकी, जिसे अपना बर्ताव सुधारना चाहिए। मैं अपना बर्ताव सुधारूं? पर मैं गिल्डा को अपना क्या? तुम सीरियस हो? शायद टॉयलेट ठीक कह रही है। शायद गिल्डा इतनी भी बदतमीज खड़ूस नहीं है। शायद मैं ही एक जेलस, जजमेंटल, जेलसी, जेलस टाइप हूँ। ये तो बहुत ही मजेदार था। मुझे यहाँ के मौसम को थोड़ा सा ठीक करना होगा, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
तुम बस थोड़ा शहर में घूम कर आओ। हाँ ठीक है, मैं तब तक जाकर कुछ खा कर आती हूँ। बाद में मिलते हैं। सब लोग पहाड़ी की तरफ भागो, सब अपनी जान बचाओ। ये तो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है। बेचारी ग्रानी स्मिथ, उन्हें नहीं मालूम था ये बस एक मजाक है। नहीं नहीं, मैं उसे बुरा नहीं कह सकती, ये वैसे एक मजेदार शरारत थी शायद। मैं उसके बारे में गलत सोच रही थी, वो सिर्फ बदतमीज और खड़ूस ही नहीं, वो एक चोर भी है। नहीं नहीं नहीं, शायद वो उसे लौटा देगी, ये बस एक मजाक ही होगा। ठीक है बच्चों, इस तरफ ममा डक, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। हे, मुझे माफ कर देना। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मुझे माफ करना, मैं तो बस। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। क्या तुम देख कर नहीं चल सकती बेवकूफ? पर मैं प्लीज, ये सभी बेवकूफ पोनीज मिलकर मेरा दिमाग खराब कर रही है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो एक बदतमीज चोर और झगड़ा करने वाली ग्रिफिन है, वो सबसे बुरी से भी बुरी है। मैं उसे झेल सकती हूँ, पर फ्लटरशाई से कोई इस तरह बात नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। लगता है अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, वो भी पिंकी पाई स्टाइल में। ये गिल्डा कौन है जिसके बारे में मैं नहीं जानती? मैंने सुना है वो रेनबो डैश की पुरानी दोस्त है, वो एक ग्रिफिन है। तुम गिल्डा से मिली हो है ना, वो कैसी है? मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। पिंकी पाई, गिल्डा के लिए पार्टी के बारे में क्या तुम्हें लगता है ये एक अच्छा आइडिया है? मेरा मतलब बदतमीज गिल्डा को लेकर तुम अपने नन्हे से दिमाग पर जोर मत डालो, तुम्हारी प्यारी आंटी पिंकी पाई सब संभालेगी। मैं तुमसे एक साल बड़ी हूँ। गिल्डा, मुझे तुम्हारे लिए अपनी खास पिंकी पाई पार्टी रख कर बहुत खुशी हो रही है, और मुझे सच में पूरा यकीन है कि तुम्हें यहाँ हम सब पोनीज के बीच आकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। ओ पिंकी पाई, वही पुरानी हूप शेक बजर वाली ट्रिक, लाजवाब हो। हाँ, बहुत अच्छे पिंकी पाई। मैं तुम्हें अपने बाकी दोस्तों से मिलवाती हूँ। बस आ रही हूँ डैश, मैं जानती हूँ तुम क्या करने वाली हो। बहुत अच्छी। मैं जानती हूँ क्या खिचड़ी पक रही है। मुझे यही उम्मीद थी, वैसे ये कोई सरप्राइज पार्टी तो है नहीं। मेरा मतलब मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर ही है, समझी? और मेरी आंखें भी तुम ही पर हैं। दोस्तों, मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ गिल्डा से, रेनबो डैश की पुरानी दोस्त। आइए उसका सम्मान करें और पोनीविल में स्वागत करें। कुछ लीजिए ना, वनीला लेमन ड्रॉप्स, जरा एक चक्कर देखती हूँ। गरम है जी, हो रहा पानी। क्या तुम सोच सकती हो, वनीला लेमन ड्रॉप्स में मिर्ची और शरबत के लिए छेद वाला ग्लास। मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ, मजेदार था। हे जी, वो देखो गिफ्ट्स। डिब्बे वाले साहब, किसी ने मेरे साथ ये शरारत पहले की थी। हाँ हाँ, शायद मैं जानती हूँ वो कौन थी। तुम्हें पता है? कितना मजा आ रहा है। मैं वहाँ जाऊंगी। ये रहा सबके लिए केक। hey, क्या मैं कैंडल्स बुझा सकता हूँ? क्यों ना हम गिल्डा को कैंडल्स बुझाने दे स्पाइक, आखिरकार राज की मेहमान वही है। सही कहा। जलने वाले बर्थडे कैंडल्स, मुझे ये शरारत बहुत पसंद है। पता नहीं ये किसने किया होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं पता। क्या फर्क पड़ता है,
ये केक तो बहुत ही स्वादिष्ट है। स्पाइक, क्या ये बहुत ही अच्छा है, तुम भी खा कर देखो। हे जी, इस शरारत से तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? बिल्कुल भी नहीं डैश, जैसे कि मैंने कहा था, मुझे मजेदार शरारतें पसंद है। तो फिर चलो थोड़ा सा केक खाते हैं। हे, मेरी नजर तुम पर है एक बास की तरह। क्यों, क्या तुम मुझ पर ग्रिफिन की तरह नजर नहीं रख सकती? दोस्तों चलो पोनी पर पूंछ लगाते हैं, चलो शुरू करें। ओह, मेरा फेवरेट गेम, क्या मैं पहले कोशिश करूं? मुझे पर्पल वाली पूंछ मिल सकती है? वैसे आज की खास मेहमान तो मैं हूँ, तो पोनी को पूंछ मैं लगाऊंगी। हाँ, गिल्डा को पहला मौका मिलना चाहिए। चलो तुम्हारी आँखों पर पट्टी बांध। तुम्हें क्या कर रही हो? हम तुम्हें गोल गोल घुमा रहे हैं, इसके बाद तुम पोनी पर पूंछ लगा सकती हो। अब बस सीधे आगे बढ़ो और पोनी पर पूंछ लगा दो। सीधे आगे बढ़ो और पोनी पर पूंछ लगा दो। मैं सब समझती हूँ, ये भी एक शरारत है ना? मैं इस तरफ जाऊंगी। रुको, पोस्टर तो इस तरफ है। ओ गिल्डा, तुमने पूंछ गलत जगह पर लगा दी। क्या यही तुम्हारी पार्टी है? मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा बेवकूफ लोग एक साथ नहीं देखे। और पिंकी पाय, तुम अपनी बेकार पार्टी प्रैंक्स के साथ बेवकूफों की रानी हो। क्या तुम्हें वाकई लगा कि तुम मुझे ऐसे गुस्सा दिला दोगी? वेल, डैश और मैं तुम सबसे 10 गुना ज्यादा कूल हैं, समझी? चलो डैश, हम इस बेकार पार्टी से निकलते हैं। कम ऑन रेनबो डैश, मैंने कहा हम यहाँ से जा रहे हैं। तुम्हें पता है गिल्डा, वो मैं थी जिसने इस पार्टी में ये बेकार शरारतें प्लान की। क्या? तो तुम्हारे हिसाब से मैं बेवकूफ हूँ? कम ऑन डैश, तुम मजाक कर रही हो, है ना? वो सब शरारतें तुम्हारे लिए नहीं थी, बस तुम्हारी किस्मत खराब थी कि तुम उसमें फंस गई। मुझे पता था वो छेद वाली क्लास की शरारत रेनबो डैश ने ही की होगी। हो ही नहीं सकता है, ये सब पिंकी पाई ने किया है। उसने ये पार्टी मुझे गुस्सा दिलाने के लिए रखी ताकि मेरा मजाक बने। मैंने तो ये पार्टी तुम्हारे बर्ताव सुधारने के लिए की थी। मुझे लगा था यहाँ आकर तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तुम्हें अपना मजाक बनवाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी। मैंने नहीं सोचा था मेरी पुरानी दोस्त मेरे नए दोस्तों के साथ इस तरह पेश आएगी। अगर तुम्हें कूल बनने का इतना ही शौक है तो फिर शायद तुम्हें कुछ और नए दोस्त ढूंढने होंगे कहीं और जाकर। अच्छा ऐसा है, वेल तुम वाकई एक दल बदलू हो। एक पल में कूल तो अगले ही पल बेवकूफ। जब ये बेवकूफी का भूत उतर जाएगा तो मुझे याद कर लेना। ये बिल्कुल भी कूल नहीं है। वाओ, पार्टी खराब करना तो कोई इससे सीखे। पता नहीं ये ऐसे क्यों करती है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। गिल्डा को यहाँ लाने के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था वो इतनी बदतमीज होगी। और पिंकी पाय, मुझे माफ करना, उसकी वजह से तुम्हारी इतनी अच्छी पार्टी खराब हो गई। अगर तुम उसके साथ घूमना चाहती हो वो तुम्हारा फैसला। मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद होगा, तुम बुरा ना मानो तो। बिल्कुल नहीं रेनबो डैश। सॉरी पिंकी, मैंने कहा था तुमसे गिल्डा को समझने में भूल हुई है, पर लगता है मैंने ही तुम्हें समझने में भूल कर दी। कोई बात नहीं ट्वाइलाइट, तुम भी हर वक्त तो सुपर स्मार्ट नहीं हो सकती ना। कम ऑन दोस्तों, पार्टी अभी भी बाकी है। प्यारे प्रिंसेस सेलेस्टिया, आज मैंने सीखा कि कितना मुश्किल होता है जब आपका दोस्त अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ रहने लग जाए जो आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता हो। हालांकि आप इस बात पर तो काबू नहीं कर सकते कि आपका दोस्त किसके साथ खेलता है, पर अपने ऊपर काबू करना आसान है। आपको हमेशा बस एक अच्छा दोस्त बने रहना है और फिर सच्चे और झूठे दोस्त में फर्क अपने आप पता चल जाएगा। आपकी स्टूडेंट ट्वाइलाइट स्पार्कल। प्यारी ट्वाइलाइट, मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट। गलत लिंक है।